प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो स्पेल चेकर फीचर। ये आपने 9th में भी किया हुआ है ना, ऑटोमेटिक स्पेलिंग को कैसे चेक करता है। ठीक है, एक फीचर है एमएस वर्ड के अंदर। अगर मान लो कोई हम गलत स्पेलिंग लिख देते हैं तो इसको क्या कर देता है, वो अंडरलाइन कर देता है, रेड कलर से उसको अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, फिर हम क्या करते थे कि राइट क्लिक करना और स्पेलिंग को ठीक कर लेते थे। यानी कि चलो इसका आंसर देखते हैं। द ऑटो स्पेल चेक यूटिलिटी ऑफ एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली चेक्स द स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑन द डॉक्यूमेंट एंड मार्क विद रेड अंडरलाइन। ठीक है, ऑटो स्पेल चेक यूटिलिटी क्या करती है, एमएस वर्ड की ऑटोमेटिकली ही चेक करती है स्पेलिंग मिस्टेक्स को ऑन द डॉक्यूमेंट एंड मार्क विद रेड अंडरलाइन। ठीक है, रेड अंडरलाइन से कर देती है। फिर उसको हमने ठीक करना, तो कैसे ठीक करते हैं। अब देखो, कोई एमएस वर्ड का मैं डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, जैसे ये एक डेस्कटॉप पे बना हुआ है बेसिक क्वेश्चंस का, तो इस डॉक्यूमेंट को मैं ओपन कर रहा हूँ एमएस वर्ड के अंदर। ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो हो गया है अब ओपन। मान लो जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन की स्पेलिंग लिखी हुई है, ये हमसे गलत हो गई इस तरह से, देखो अंडरलाइन कर दिया इसने इसको रेड कलर से, ये देखो। ठीक है, तो इसके अंदर फीचर है कि हम राइट क्लिक करके हमारे पास जो करेक्ट स्पेलिंग्स होती हैं वो आ जाती हैं इस तरह से। कम्युनिकेशन पे क्लिक किया, ये देखो ऑटोमेटिक स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई बिना टाइप किए। ठीक है, यानी कि ये फीचर जो है एमएस वर्ड के अंदर है हमारे पास। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो स्पेल चेक फीचर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंट प्रीव्यू फीचर। प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू के बारे में आपको शायद 9th में बताया हो, चलो नहीं भी बताया होगा तो समझ लेना इसको अच्छी तरह से। यानी कि डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेने से पहले उसको एक बार देखना, प्रीव्यू करना, पहले उसको एक बार देख लेना कि वो कैसा नजर आएगा, पेज के ऊपर कैसा प्रिंट होगा। ठीक है, द प्रिंट प्रीव्यू फीचर ऑफ एमएस वर्ड डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट अपीयरेंस बिफोर प्रिंटिंग इट। समझ गए, जो प्रिंट प्रीव्यू फीचर है एमएस वर्ड की, वो डिस्प्ले करती है कि डॉक्यूमेंट की जो अपीयरेंस है वो कैसा नजर आएगा, क्या मतलब वो कैसा अपीयर होगा। ठीक है, कैसा डॉक्यूमेंट के ऊपर वो दिखाई देगा बिफोर प्रिंटिंग इट, उसको प्रिंट करने से पहले। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट था ये वाला, ठीक है, अब इसकी प्रिंट प्रीव्यू देखना हमने कि इसने पेज में हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हार्ड पेज जो है हमारे पास जो प्रिंटर में पेज है, उसके ऊपर इसने किस तरह से नजर आना। तो उस तरह से हम इसको फाइल के ऊपर जाएंगे, यहाँ प्रिंट के ऊपर जाएंगे और प्रिंट के अंदर ये पेज को दिखा देगा, उसका प्रीव्यू दिखाएगा। ये देखो, ये दिखा रहा है, देखो साथ में प्रीव्यू, प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, मान लो कोई इसमें ठीक करनी हो, सेटिंग्स वगैरह करनी हो, लाइंस वगैरह आगे पीछे करनी हो, पैराग्राफ ऊपर नीचे करना हो, कलर वगैरह करना हो, तो हमें इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट प्रीव्यू फीचर है इसकी एमएस वर्ड की, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले वो कैसा नजर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, व्हाट डू यू मीन बाय वॉइस वीक फीचर। यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। वॉइस वीक स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, क्या आप देखते हैं। ठीक है, व्हाट यू गेट, क्या आपको मिलता है, क्या आप पाते हैं, क्या आप देखते हैं, क्या आपको मिलता है। ठीक है, इट मीन्स व्हाट एवर इज बीइंग डिस्प्लेड स्टैंड फॉर द सेम थिंग। इसका मतलब है कि वॉट एवर इज बींग डिस्प्लेड, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, स्टैंड फॉर द सेम थिंग, वो सेम ही चीज है। समझ गए, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट प्रीव्यू जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, प्रिंट प्रीव्यू सेम का इसी की वो एडवांटेज है कि वो प्रिंट प्रीव्यू फीचर, कि व्हाट यू सी इज क्या आप देखते हैं और क्या आपको मिलता है। यानी कि डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, उसको आप पहले देख रहे हैं, प्रीव्यू कर रहे हैं ना, तभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया प्रिंट प्रीव्यू का, कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, क्या आपको क्या आप देख रहे हैं और आपको क्या मिलता है ना, क्या मिलेगा आपको। तो ये है इसका वॉइस वीक, ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर की एडवांटेजेस की, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर।
ये जो एम एस वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, एम एस वर्ड की एडवांटेजेस देख लेते हैं। प्रिंट वन और मोर कॉपीज ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट, प्रिंट कर सकते हैं हम एक या एक से ज़्यादा कॉपीज जो हैं डॉक्यूमेंट की, ये एम एस वर्ड की पहली फीचर है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, जब भी हम यहाँ पर इसको प्रिंट करने की कमांड देंगे, प्रिंट के लिए शॉर्टकट कमांड आपको भी पता है कि कौन सी, कंट्रोल प्लस पी, ठीक है, मैं कंट्रोल प्लस पी दबा देता हूँ, कंट्रोल पी दबाया, ये देखो कॉपीज जितनी मर्जी आपने निकालनी पेज की, 100 निकालनी 100 भर दो यहाँ पे, 20 निकालनी 20 भर दो इस पेज की, 20 कॉपीज निकालनी, ठीक है। ये थी इसकी पहली फीचर कि प्रिंट वन और मोर कॉपीज ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट, अंडरलाइन इटैलिक और बोल्ड स्पेसिफाइड टेक्स्ट, ये इसकी फीचर आपको पता ही है, कोई भी टेक्स्ट हमें अंडरलाइन करना हो, उसको इटैलिक करना हो, बोल्ड करना हो, स्पेसिफाइड टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, है ना, उसको अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है। मूव और कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ये भी इसकी फीचर ही है कि टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। मूविंग के लिए क्या, मैं आपको अगर बता ही दूँ, क्योंकि आपको पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में, तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है हमने इसकी कॉपी करनी है, ये भी इसकी फीचर ये है, मान लो इसको मूव करना है, तो यहाँ से हमने कट किया और मूव कर दिया नीचे जाके, यहाँ नीचे गए और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, ये मूव हो गया, ठीक है। या इसको अंडरलाइन करना, इसको बोल्ड करना, कंट्रोल प्लस वी से है, बोल्ड हो जाता है, या ऊपर भी दिए अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है, और इटैलिक अंडरलाइन करना, तो ये इसकी फीचर्स इसके अंदर है। प्रीव्यू डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, ये जो हमने अभी पीछे डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू किया था प्रिंट करने से पहले, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, वही प्रिंट प्रीव्यू फीचर, तो ये वाली फीचर भी है इसके अंदर वर्ड प्रोसेसर के अंदर। ऑटोमेटिक स्पेल चेक यूटिलिटी है, ऑटोमेटिक स्पेल चेक करना। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं कि वी कैन इंसर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर इन एमएस वर्ड, ठीक है, पिक्चर भी तो कर सकते हैं इंसर्ट, ठीक है, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे कुछ एक ही दी हुई हैं फैसिलिटीज, ठीक है। अब चलो आज के लिए हमारे जो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक ही काफ़ी था, कल हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद, जय हिमाचल।